हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर आराधना मैम वंस अगेन विद न्यू टॉपिक. न्यू नॉट एट ऑल, सेम टॉपिक बट वी विल डिस्कस इन डिटेल इन आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग विद आराधना मैम. इन आवर प्रीवियस वीडियो एज यू नो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द पावर शेयरिंग एंड वी टुक द एग्जांपल ऑफ टू ओके कंट्रीज. One was in the Europe, Belgium, and other was in the, Asia, that is neighboring country of India, Sri Lanka. How power was shared in the Belgium, and it was quite helpful, accommodate all the, and all were happy. Okay, happy atmosphere, peace, prosperity, were economic, but in other side, डार्क साइड वी कैन से श्रीलंका मेजोरिटी जो थे मेजोरिटेरियन रिफ्यूज टू शेयर द पावर विद द माइनॉरिटी ग्रुप. व्हाट हैपन, व्हाट वॉज द रिजल्ट, दैट वॉज रिजल्टेड इन टू सिविल वॉर एंड क्या सीरीज ऑफ टेररिस्ट अटैक लिट्टे सेपरेट स्टेट एंड सेट बैक टू द कंट्रीज डेवलपमेंट पीस प्रॉस्पेरिटी ईच एंड एवरीथिंग. सो वी हैव डिस्कस्ड when we shared the power with each and everyone that bring peace and prosperity, peaceful, calm and harmonious relation in the society, similarly in the family and in each and every institution. Okay, power should be shared whenever and wherever it's required. So further we are discussing the same topic in detail today about power sharing. The very first basic question is, power sharing is desirable, necessary? क्या ये जरूरी है? ना करें power share? एक ही person है, earlier आपने पुराने institution, अगर countries के बारे में सुना है, राजा, रानी, एक ही राजा, सारी power उसके हाथों में थी, फिर भी तो होती थी. Okay, minister तो, नहीं तो जो नहीं है उसको. Okay, neck, कटवा दो जी उसकी. ये भी time था, dictatorship का. उसके बाद भी बट नहीं वो प्रोग्रेस वो प्रॉस्पेरिटी नहीं राजा की अपनी फैमिली में कॉन्स्परेसी होके उसके अपने ही खानदान वाले मरवा देते थे. कई बार ऐसे होता था या उनके नलायक बच्चे सक्सेसर बन जाते थे दोज हु वर नॉट कैपेबल. बट इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज नाउ पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. ओके, पावर शेयर होनी चाहिए और कैपेबल पर्सन होना चाहिए. सी नाउ वी विल डिस्कस ऑल दीज इन डिटेल. ओके, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है. ओके बेटा, पावर शेयरिंग जब होगी एक तो बेटा पीस प्रॉस्पेरिटी अगेन एंड अगेन आई एम डिस्कसिंग. ओके, शांति बनी रहती है, स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, ग्रोथ. वी कैन से दिस वन इज प्रूडेंशियल. प्रूडेंशियल मीन्स दूरदर्शिता, कल की सोचना, दूर की पहले ही सोचना कि आज मैं काम ये कर रहा हूं तो कल इसके रिजल्ट क्या निकलेंगे. आज आप नहीं पढ़ रहे हो तो कल इसके रिजल्ट क्या निकलेंगे. प्रूडेंशियल थिंकिंग. आज आप अच्छे से पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, इफ यू आर वर्किंग हार्ड टूडे वट विल बी द रिजल्ट. बहुत बेटर आपको इसके मिलेंगे रिजल्ट. अगर आप नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा. ओके, जो भी आज किया जा रहा है कल उसका आपकी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आप सोचो एक बार, फिर पता चलेगा. आज जैसे बेल्जियम ने सोचा, सबको अकोमोडेट किया, पावर शेयर की, बहुत अच्छा. श्रीलंका ने प्रूडेंशियल डिसीजन नहीं लिया, दूर की नहीं सोची. वी आर इन द मेजोरिटी, मेजोरिटेरियन का रूल चलेगा तो क्या हुआ, सिविल वॉर. रोज के टेररिस्ट अटैक्स, एक सेपरेट स्टेट की डिमांड हो रही है तमिलेलम, बोला था ना मैंने आपको. सो कितनी देर तक हम किसी को दबा के रख लेंगे, वो भी नजायज बात, बिना किसी को सप्रेस करें, बिना किसी रीजन के इंसल्ट करें, वो अल्टीमेटली रिवोल्ट, रिबेल, सिविल वॉर, राइट्स, दंगे फसाद, वायलेंस, यही सब कुछ होता है. तो पावर शेयरिंग क्या है, प्रूडेंशियल, पहले ही सोचना कि इसके रिजल्ट अच्छे नहीं है. आई शुड शेयर द पावर विद ईच एंड एवरी ग्रुप वेन एवर वेयर एवर इट इज नेसेसरी, जहां पे भी जरूरी है पावर शेयरिंग हो डिसीजन.
ओके व्हाइल टेकिंग द डिसीजन. सो ये हो गया प्रोडेंशियल, कल की सोचना. अब सेकेंड है मॉरेलिटी. अब हम करेंगे कि स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी कहां रही जहां पावर ही ना शेयर की हो. एक ही हाथ में है पावर, ईच एंड एवरीथिंग. आई विल कोट द एग्जांपल ऑफ चाइना. चाइना जी वहां पे कम्युनिस्ट हेड के पास ही है, सब कुछ है, तो डेमोक्रेसी नहीं है वहां पे. कॉमन पीपल को राइट नहीं, जो भी तानाशाह ने कह दिया कम्युनिस्ट पार्टी के हेड ने, ओके वो ही होएगा. सो एक आई हैव टोल्ड यू पहले अलीबाबा, यहाँ पे एग्जाम्पल तो नहीं, आई मस्ट कोट अलीबाबा के जो हेड है, चेयरमैन है, सीईओ, ऑल्दो उन्होंने छोड़ दी, बट फिर भी एक कहा कि बैंकिंग सिस्टम है चाइना में, कुछ एक सिस्टम डिफेक्टिव है, थोड़े रिफॉर्म होने चाहिए इसी बात को लेकर. वो पता नहीं कहाँ पे चाइना की गवर्नमेंट ने कर दिया, बट ये प्रोडेंशियल नहीं है. कल को डिसइंटीग्रेशन हो सकता है चाइना का, जैसे यूएसएसआर का हुआ, सिमिलरली इन अदर कंट्रीज ऑल्सो. सो जहां जहां पे भी डेमोक्रेसी है वहां पे पावर शेयरिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है डेमोक्रेसी का स्पिरिट है, आत्मा है. जब पावर ही नहीं, एक ही बंदे ने पावर पकड़ के रखी हुई, अपनी मर्जी से सब कुछ करना है, तो वो डेमोक्रेसी तो नहीं, दैट इज डिक्टेटरशिप एज इन चाइना. आई हैव डिस्कस्ड, ओके डेमोक्रेसी है ही नहीं है. डेमोक्रेसी की आत्मा, डेमोक्रेसी की स्पिरिट क्या, पावर शेयरिंग, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ओके ग्रास रूट तक पावर होनी चाहिए सबको, यानी कि छोटे से छोटे लेवल तक, क्योंकि जो जिस जगह पे उसको पता क्या प्रॉब्लम है और उसको खुद का सिचुएशन के अकॉर्डिंगली फैसले लेने का राइट होना चाहिए. सो दीज आर द टू बेसिक रीजन व्हाई पावर शुड बी शेयर्ड. ओके नाउ वी विल डिस्कस इन हाउ मेनी टाइप्स द पावर इज शेयर्ड इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज. मॉडर्न डेमोक्रेसी में किस किस तरह से पावर शेयर की जाती है या की जा रही है. ओके मूविंग टुवर्ड्स दिस, इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर जो है शेयर की जा रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है पावर शेयरिंग, अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में पावर शेयर हो रही है. ओके डिफरेंट ऑर्गन्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ईच एंड एवरी गवर्नमेंट हैज थ्री ऑर्गन्स, ओके लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों अपने अपने. ओके अब हमने चुना लेजिस्लेचर के एमपी एमएलए हम लोग इलेक्ट करते हैं, वो हमारे लिए वेलफेयर स्कीम लॉज जो कुछ कह लो काम करते हैं, बनाते हैं, मिनिस्टर उनको एनेक्ट करते हैं, और कोर्ट्स जो है डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट और चेक करती रहती है कि सब लॉ के अकॉर्डिंगली हो रहा है. इसको चेक एंड बैलेंस, अगेन लिसन केयरफुली, लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी है, लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव इसको एनेक्ट करती है, लॉ एंड ऑर्डर, और कोर्ट जो है क्या है डिसीजन मेकिंग, फैसले सुनाती है, चाहे डिस्प्यूट हो गए चाहे इनके आपस में, बट जुडिशरी जो है ये चेक करती रहती है, जिसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, कि मिनिस्टर्स और लेजिस्लेचर दोनों के दोनों इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं, जहां पे भी डेमोक्रेसी है. ओके अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं है एक बार इलेक्शन ये दोनों जीत गए हैं, क्योंकि इसी से ही इलेक्ट होके एग्जीक्यूटिव आती है. एक बार इलेक्शन जीत गए तो 5 साल के लिए जो मर्जी करें. अभी आपको पता है फार्मर बिल लॉ जो पास हुए हैं उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है, तो केस जो है वो जुडिशरी के अंडर है, सुप्रीम कोर्ट में. सो वो चेक करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली, जुडिशियल रिव्यू के अंडर पावर. आई हैव गिवन सेपरेट वीडियो ऑन जुडिशियल रिव्यू, चेक दैट कब कब कोर्ट जो है जुडिशियल रिव्यू कर सकती है और कैसे. ओके ये मिनिस्टर्स की पावर को चेक करती है, मतलब अपनी मर्जी से कुछ नहीं, कल को आके ये अपनी मर्जी से लॉ बना दे अपनी मर्जी से, नॉट एट ऑल. जुडिशियरी जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट स्टेट्स में, और सुप्रीम कोर्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, सुप्रीम कोर्ट स्टेट्स का भी चेक कर सकती है. ये चेक करती है कि ईच एंड एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द लॉ, बट ये नहीं है ये
जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ही एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को चेक करती है, नॉट एट ऑल। ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ये देखते हैं कि सारे जजेस लॉ के अकॉर्डिंग ऑनेस्टली काम करें, कॉन्स्टिट्यूशन ये तो नहीं रिश्वत ली हुई है किसी के फेवर में और जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी है उनको ब्रीक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, समझ ले कि है? कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे से काम नहीं करेगा। सिमिलरली लेजिस्लेचर चेक करती रहती है कि जितने भी मिनिस्टर हैं उनको क्वेश्चन आर में पार्लियामेंट में पूछा जाता है लेजिस्लेचर के एमपी एमएलए, ओके, स्टेट लेजिस्लेचर में और पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा में मिनिस्टर से क्वेश्चन आर में क्वेश्चन कर सकते हैं। और आई हैव टोल्ड यू, ये भी आप चेक कर लेना, सेपरेट वीडियो इज गिवन, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर लेजिस्लेचर ने एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट पास कर दिया तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा, ऑल द मिनिस्टर्स हैव टू रिजाइन। इसको कहते हैं चेक एंड बैलेंस, ठीक है? आपको बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है चेक्स एंड बैलेंस के ऊपर, चेक एक दूसरे को चेक करते रहते हैं और पावर बैलेंस रहे, कोई ज्यादा पावरफुल ना हो, यू नो पावर करप्ट मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट मैन एब्सोल्यूटली, पावर हाथ में हो कोई भी करप्ट हो सकता है, और जिसको अनगिनत पावर दे दी जाए तेरे ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं, कोई चेकिंग नहीं, कोई पूछ नहीं, तो वो एब्सोल्यूटली करप्ट हो जाएगा, ठीक है? ये याद रखना, यू कैन राइट इन बोर्ड एग्जाम दिस क्वार्टर आल्सो, क्योंकि चेक्स एंड बैलेंस है तो पावर जो है इक्वली शेयर हो रही है और कोई मिस यूज नहीं हो रही, बिकॉज पावर करप्ट मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट मैन एब्सोल्यूटली। सो इसलिए ये चेक्स एंड बैलेंस है, एक दूसरे की पावर को चेक कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली दीज आर वर्किंग, ओके, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे से तो नहीं चल रहे, अपनी मर्जी से तो नहीं पावर को मिस यूज कर रहे, 5 साल के लिए मैं राजा बन गया, ओके, कल को देखेंगे, कुछ ऐसा नहीं है। ये तीनों ऑर्गन जो है ये हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, एक ही लाइन में है, एक ही लाइन पे है, कोई ऊपर नीचे नहीं है यहाँ पे, ओके, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, पावर शेयर्ड है इनमें, गेटिंग माई थिंग? नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड पॉइंट, दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट, that is power sharing among the different organs of the government. Second hai power shared among the government at different level. Different level pe kaise? Center mein hamari center government hai, union government hai, jo prime minister hai Narendra Modi. Aur iske baad second level pe hai state government. State government har state mein hai. Okay. Different different parties ki bhi ho sakti, same parties ki bhi ho sakti hai. Different different chief ministers hai. हर स्टेट में मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर्स हैं, ओके, ये एडमिनिस्टर करते हैं अपनी पावर उनके पास अपनी स्टेट को लुक आफ्टर करने के लिए, और उससे नीचे हैं एमसी या पंचायत, रूरल एरिया में पंचायत हैं और सिटीज में है एमसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट होगी एज वी हैव डिस्कस्ड इन द बेल्जियम मॉडल। बेल्जियम में भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी, फ्रेंच और डच स्पीकिंग के सेम मिनिस्टर रहेंगे, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबॉर्डिनेट नहीं रहेगी, इंडिया में भी नहीं है सबॉर्डिनेट, इंडिया में भी हर स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही रह के काम करना है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं काम करी है कि नरेंद्र गोमी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी के अंडर काम करेंगे, नॉट एट ऑल, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंडर रह के काम करेंगे, लॉ से बाहर कुछ नहीं करेंगे, बट इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं सारे, ओके, दे आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट या मिस्टर नरेंद्र मोदी, वो उनके सबॉर्डिनेट नहीं है। इस टाइप को सिमिलरली बेल्जियम में था, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट सेपरेट सेपरेट है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, और थर्ड गवर्नमेंट थी वहां पे कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो अपनी अपनी ही कम्युनिटी के लिए प्रैक्टिस प्रोफेस एंड प्रोपगेट और इनकरेज करेगी अपनी कल्चर को, रिलीजन को, लैंग्वेज को, व्हाटएवर, अपनी अपने उनको राइट है, ओके, कम्युनिटी गवर्नमेंट। इंडिया में भी अब कुछ एक बैकवर्ड क्लासेस है, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस है, तो क्या है, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज रखी गई है, अब विमेन के लिए भी रखी गई है, सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए तो है ही है,
बट अब विमेन के लिए भी रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज रखी गई है ताकि उनमें भी पावर शेयर हो उनकी कम्युनिटी का. जैसे बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट है, सिमिलरली यहाँ पे इसलिए रखा गया ताकि उनकी कम्युनिटी का पर्सन पावर में आए और उनकी वेलफेयर के लिए वेलफेयर स्कीम या उनका प्रॉपरली जो है काम कर सके. ये ना हो कि कोई बाहर का पावर को मिस यूज करे और प्रॉपरली उनकी वेलफेयर के लिए डेवलपमेंटल स्कीम जो है वो लॉन्च ना करे दिखे ना. इसीलिए इंडिया में सोशली और बैकवर्ड जो क्लासेस है उनके लिए रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज रखी गई और विमेन के लिए भी रिजर्व और उनको पावर दी गई. ठीक है, पावर शेयर जो है एट डिफरेंट लेवल. डिफरेंट लेवल हो गया ना, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, इसको वर्टिकल कहा जाता है. सॉरी मैं डिस्कस करते करते इधर पहुंच गई. ये है वर्टिकल. सेकेंड पॉइंट है वर्टिकल शेयरिंग. ये था हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल शेयरिंग. ये है वर्टिकल शेयरिंग. सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल लेवल गवर्नमेंट, ये है वर्टिकल. वर्टिकल ओके, वर्टिकल. इसमें है सेंट्रल गवर्नमेंट, देन है स्टेट गवर्नमेंट एंड देन है लोकल ग्रास रूट या लोकल लेवल गवर्नमेंट. ओके, ये है वर्टिकल पावर शेयरिंग. पावर जो है वर्टिकल शेयर है डिफरेंट पॉइंट्स पे और इसको फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं. फेडरल स्पिरिट वेयर द पावर्स आर डिवाइडेड इन सेंट्रल स्टेट एंड लोअर लेवल गवर्नमेंट. डिसेंट्रलाइजेशन भी कहा जाता है इसको. इसके बाद मैंने साथ ही शेयर डिस्कस कर दिया था. मे बी यू पीपल कंफ्यूज, सो आई एम डिस्कसिंग इट एक्सप्लेनिंग इन डिटेल अगेन. दिस इज वर्टिकल पावर शेयरिंग, मीन्स पावर इज शेयर एट डिफरेंट लेवल. डिफरेंट लेवल मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल लेवल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी दिल्ली में गवर्नमेंट है, उसके बाद हर स्टेट में गवर्नमेंट है, फिर लोकल लेवल गवर्नमेंट आ गई एमसी या विलेज पंचायत. हर कोई अपना इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का सबॉर्डिनेट नहीं है जैसे बेल्जियम में. ओके ओके, देन थर्ड है अब हम करें पावर शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप. अब डिफरेंट सोशल ग्रुप में भी पावर शेयर है. जैसे बेल्जियम में थी कम्युनिटी गवर्नमेंट. ओके, कम्युनिटी गवर्नमेंट मीन सोशल ग्रुप, अपनी अपनी कल्चर ट्रेडिशन जो भी कस्टम है वो अपने लुक आफ्टर करो और अपने कैंडिडेट इलेक्ट करो, कोई भी निग्लेक्ट ना समझे. और इंडिया में इसी तरह सोशली एंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, चाहे एमएलए की हो, चाहे एमसी की हो, चाहे पंचायत की हो, और विमेन के लिए भी, ताकि हर कोई अपनी अपनी कैटेगरी के कास्ट कम्युनिटी के लोगों के लिए वेलफेयर और डेवलपमेंटल स्कीम प्रॉपरली चलाए. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ वन, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट एट द डिफरेंट वेज. अलग अलग तरीके से भी पावर शेयर्ड होती है. पॉलिटिकल पार्टीज में भी पावर शेयर्ड होती है, कॉलिशन गवर्नमेंट जैसे. सेपरेट वीडियो इज गिवन इन द कॉलिशन गवर्नमेंट, यू कैन चेक दैट. खास करके कॉलिशन गवर्नमेंट में जब गवर्नमेंट जो है दो या चार पार्टियों की मिलके बनी हो तो पावर शेयर करनी पड़ती है. अब तो एक ही गवर्नमेंट की है पावर, बीजेपी की. वो अपनी मनमर्जी से अपनी मर्जी जो पार्टी का एजेंडा है वही चलाएगी. जब चार पांच पार्टियां मिलके दो या दो से ज्यादा, इंडिया का हिस्ट्री रही है कि 12-12, 15-15 पार्टियों ने भी मिलके गवर्नमेंट बनाई है, तो कॉमन एजेंडा रखना पड़ता है. पावर शेयर हर एक का जो है पार्टी का माननी पड़ती है बात. पावर शेयर होगी ना डिफरेंट पार्टीज में. इस तरह से प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट, कई बार बिजनेसमैन ट्रेडर फार्मर जैसे अब प्रेशर बनाया हुआ, इसको प्रेशर ग्रुप कहते हैं. गवर्नमेंट को प्रेशर करते हैं. ओके, दबाव डालते हैं क्या कि हमारे अकॉर्डिंगली पॉलिसी फॉर्मुलेट करो. ओके, ये भी पावर शेयरिंग होगी ना, पावर देनी पड़ेगी उनको. गेटिंग माय पॉइंट? प्रेशर ग्रुप या मूवमेंट, जैसे फार्मर का मूवमेंट चल रहा है इंडिया में अभी, फार्म बिल को लेकर, लॉ को लेकर, फार्मर लॉस को लेकर जो तीन आए हैं नए. सो ये पावर शेयरिंग मॉडर्न डेमोक्रेसीज में देखी जाती है आम ही. ये सारे बिल्ड करते हैं प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर कि हमारे अकॉर्डिंगली पॉलिसीज फॉर्मुलेट करो और हमारी राय लो, हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली चलो.
इसको कहते हैं पावर शेयरिंग, पावर मिली हुई है इनको, इसलिए ये प्रेशर बना रहे हैं।